व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू गेम में। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं ब्रेन इट ऑन। गेम का नाम ब्रेन इट ऑन। तो गाइस, इसमें अपने को दिमाग लगाकर, ठीक है, अपना दिमाग यूज़ करके और ऐसी शेप बनानी होती है ताकि मतलब लेवल को पार हो जाए। जिसे दिखा रहा है इस टाइप से अपने को शेप बनानी है और जिससे कि लेवल पार करेंगे, ये इस टाइप से देख सकते हो। तो मैं ऐसे कुछ ऐसे बता नहीं सकता आपको बोलकर, तो अपने गेम में चलते हैं और फिर देखते हैं। गाइस, गेम में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लास्ट तक देखना और आपका दिमाग भी लगाना। तो चलो चलते हैं। फर्स्ट लेवल है ड्रॉ ए शेप, मतलब अपने को एक शेप बनानी है, ठीक है। तो अब मैं एक गोला बनाता हूँ, ठीक है। एक गोला बनाया मैंने ये। तो गाइस, ये इसमें जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हार्ड आता जाएगा, तो अपना दिमाग भी लगाना। और चलो चलते हैं दूसरे लेवल पर। मेक द बॉल हिट द लेफ्ट वॉल। अच्छा, अपने को इस बॉल को लेफ्ट वॉल पे हिट करनी है, तो अपन ऐसी स्ट्रक्चर बनाएं कि ये धक्का मार के और ये चला जाए, ठीक है। तो ये इजी है, इस टाइप से अपने को लेवल पार करने है। तो आगे चलते हैं तीसरे लेवल पर। तीसरा लेवल ये है टिल द शेप टू द राइट। अच्छा, अपने को ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है तो इसको राइट की तरफ मोड़ना है। तो चलो अपन एक ऐसा ये बनाते हैं स्क्वायर, ये लो। इजी है गाइस, बहुत इजी है, लेकिन टफ होता जाएगा जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे। अभी तक तो 3 स्टार तक है अपन। अब इसमें क्या है, टिप द ग्लास ऑन टू द ग्राउंड। अच्छा, अपने को ग्राउंड पे गिराना है, तो अपन एक गोला बनाएंगे। अरे गाइस, गोले से तो कुछ भी नहीं हुआ। अपन देखते हैं एक ऐसी शेप बनाएं ताकि ये इसमें फंस के और इसको गिरा दे। ये लो गाइस, हो गया पूरा अपना काम, ठीक है। पर अपने को 1 स्टार ही मिला है। चलो आगे देखते हैं। प्लेस ओनली 2 बॉल्स इन द ग्लास। अच्छा, अपने को केवल दो बॉल अपने को ग्लास में डालनी है, तो अपन ऐसी शेप बनाएंगे कि ये चला जाए। तीनों जा रही है यार, बस दो जाए। एक चली गई, दूसरी चली गई, अरे ये तीसरी, अरे यार गाइस तीसरी नहीं गई। 1 सेकंड और रुक जाती है तो हो जाता लेवल पार। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, अपन ऐसा शेप बनाते हैं। तो गाइस, ये लेवल भी फेल लग रहा है मेरे को। इस टाइप से अपने को हार्ड लेवल देते जा रहे हैं, तो अपन एक ऐसी शेप बनाएंगे, खड़ा डंडा। ये लो, खड़ा डंडा घुस गया ग्लास में। अपने को बॉल घुसा नहीं थी, खड़ा डंडा घुस गया। अपन एक ऐसी शेप बनाएंगे। हाँ, ये शेप अपने को परफेक्ट लग रही है। हाँ ठीक है ठीक है, उसने बॉल रोक ली, एक और 2 बॉल गिर गई ऐसे ही। ओके गाइस, तो ये लेवल हो गया पूरा। अब 6th लेवल है। इसमें शायद अपन रेड एरिया में ये नहीं कर सकते ड्रॉ। हाँ, तो अपने को इस ग्लास में कोई ऑब्जेक्ट को गिराना है, तो अपन एक रेम बनाते हैं इधर। तो अरे गाइस, मैं भूल गया कि रेम को अपने को सहारा भी देना होता है। तो अपन पहले इसको रिप्लेस करते हैं, अब एक रेम बना दें और उसको सहारा देने के लिए इसमें नीचे सहारा बना दें। और अब बस सिंपल एक बॉल ड्रॉ करते हैं, तो ये सीधी गिलास में जाएगी। ये लेवल हो गया पूरा 2 स्टार के साथ। अब आते हैं 7th लेवल पर। 7th लेवल है प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द स्मॉल बॉक्स। अच्छा, इस स्मॉल बॉक्स में अपने को ऑब्जेक्ट को रखना है, तो अपन एक ऐसा रेम बनाएंगे। रेम का बेस इन्होंने पहले ही दे रखा अपने को, तो एक ऐसा रेम बना देंगे अपन और एक बॉल को ड्रॉ कर देंगे ताकि ये गुड़कती उधर चला जाए। ये लो, इजी है गाइस, इजी हो गई है। अब आगे की लेवल पे चलते हैं। लिफ्ट द बॉल ऑफ द ग्राउंड। सीरियस गाइस, इसमें अपने को इस बॉल को उठानी,
कैसे उठाएंगे? दिमाग लगाओ अपना गाइस, इसमें कैसे उठाएंगे यार? अपन गाइस बुलडेजर जैसा इसमें शेप बना दे तो ये उठ सकता है। अपन इसको दोनों साइड से ऐसे पकड़ेंगे और इधर ज़्यादा वजन डाल देंगे तो ये शायद उठ जाएगी। ये लो गाइस, सिंपल, दिमाग तो है गाइस। तो अब आगे की लेवल में चलते हैं अपन। गेट द बॉल आउट ऑफ द बाउल। अच्छा, इस बाउल से अपने को इस बॉल को निकालनी है तो अपन एक ऐसा शेप बनाएंगे ताकि ये उछल के आ जाए, लेकिन ये उछली नहीं। तो अपन थोड़ी बड़ी बॉल बनाएंगे। ये लो गाइस, ये मेरे को लेवल हार्ड दिख रहा है। अपने को बनानी तो बॉल है, इसमें अच्छी सी बॉल बनाएंगे और साइड में से गिराएंगे। ये लो, और गाइस हो गया, हो गया, थोड़ा सा बच गया। अपन इस पे एक बॉल गिराते हैं, देखें। यार गाइस थोड़ा सा बच गया बस। अरे इस बॉल ने कुछ काम नहीं किया, इस बॉल ने तो वो और उसको अंदर कर दिया। तो अपन एक अच्छी सी बॉल बनाएंगे फिर गिराएं तो। अच्छा, अपने को सिर्फ साइड में कोने पर गिरानी थी उसको, ठीक है, लेवल इजी था। ठीक है, तो अपने 3 स्टार के साथ पूरा हो गया। बढ़ते हैं अगली लेवल पे। तो इसमें रिमूव द केप। अच्छा, इस केप को हटाना है अपने को, येलो केप को। तो इस पे एक बड़ी सी बॉल डालेंगे अपन, ठीक है, वजनदार, ताकि ये, हाँ मैं सोच ही रहा था इसमें ये जंप मारेगी तो केप हट जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्टार के साथ पूरा कर दिया तुम्हारे भाई ने। अब आगे बढ़ते हैं, मेक द मैग्नेट टच। अच्छा, मैग्नेट्स को टच कराना है अपने को। तो ये अपनी ऐसी शेप बनाए ताकि ये नीचे गिर के टच हो जाए। ये लेवल फेल्ड लग रहा है मेरे को, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अपन इसमें एक ऐसी शेप बनाएंगे ताकि वो नीचे गिरे तो ये दोनों को धक्का मार के पास पास लेके आ जाए। ये लो गाइस, लेवल इजी हो गया पूरा। और ये एड कहाँ से आ गया, मेरे को नहीं देखना एड यार। ओके गाइस, तो ये लेवल पूरा हो गया। अब अगले लेवल पे चलते हैं, सेपरेट द मैग्नेट। अच्छा, इस मैग्नेट को अपने को अलग अलग करना है, ठीक है। तो अपन एक क्या करेंगे, इसमें एक अच्छा सा बाउल गिराएंगे। बाउल क्या, अच्छा भारी सामान, इससे कुछ नहीं हुआ। अपन एक लॉलीपॉप बनाते हैं, ठीक है, वजनदार लॉलीपॉप। ये लो गाइस, इजी है, इजी लेवल पार हो गया। आगे की लेवल पे बढ़ते हैं, क्या होता है देखें। गेट द बॉल ऑफ द स्टैंड। अच्छा, इस स्टैंड से अपने को बॉल गिरानी है। तो अपन एक ऐसा रैम बनाएंगे इस पे और ऊपर एक भारी बॉल गिराएंगे, बहुत भारी। तो ये इस रैम को गिरा सकता है, ये तो सरक गया इधर, इससे कुछ नहीं होगा। अपने को एक लंबा रैम बनाना है और ऊपर से एक बहुत भारी बॉल गिरानी है। इसके सपोर्ट के लिए अपन इधर एक ये रख देते हैं ताकि ये उधर सर के ना। ये लो, इससे भी कुछ नहीं हुआ यार। अपने को क्या करें, इस पे एक बॉल गिराए तब क्या होगा, एक बॉल गिराएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो अपन अब इसमें क्या करें, इधर की साइड में एक ऐसी शेप, इससे भी कुछ नहीं हुआ, दिमाग ख़राब होने लग गया। अपने को इधर की साइड में एक वजनदार बनाना है इसको, इसमें वजन नहीं है तो थोड़ा और वजन वेट डालते हैं इसमें। ये लो, बॉल बाहर आ जाएगी बस। हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, आगी बॉल और उसमें अंदर घुसने वाली थी अभी, लेकिन बाहर आ गई। ठीक है, अपन ने 1 स्टार के साथ पूरा हो गया। हार्ड था लेवल थोड़ा। ये क्या है, मेक एन ऑब्जेक्ट टच द रेड एरिया। अच्छा, इसमें अपन रेड एरिया में अपने को टच कराना है किसी भी ऑब्जेक्ट को।
तो अपन एक ऐसा रैम बनाएंगे और इस पर एक बॉल रखेंगे ताकि ये मतलब गुड़क के और उधर चला जाए, ठीक है। तो ये बॉल तो आधे भी नहीं पहुंची, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, अपने को एक अच्छा रैम बनाना पड़ेगा। इस टाइप से अपन रैम बनाएंगे, इसको सहारा देना पड़ेगा ताकि ये नीचे ना गिरे। और अब इसमें एक बॉल रखते हैं ताकि इससे भी कुछ नहीं हुआ। अपन इसमें दिमाग लगा के एक ट्राइंगल बनाएं, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल बना के और इस पर अपन एक लाइन रख देंगे, मतलब ये लाइन है, इस लाइन को रख देंगे। अब इस पर एक तरफ वजन डालेंगे ताकि ये इस रेड एरिया को टच कर ले, ठीक है। टच तो कर लिया इसने अपने को, इसमें येलो गाइस हो गया इजी। पर अपने को एक स्टार मिला, बैड। अब अगली लेवल है, मेक द बॉल टच द ग्राउंड। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये जो पूरा ये गिर जाएगा, तो ये बोला मेरे को लग ही रहा था, लेकिन इसको टच कराना तो थोड़ा हार्ड होगा। इसको कैसे टच कराए यार, इसको टच कराने के लिए अपन इधर थोड़ा बहुत ये रखते हैं ताकि ये धक्का मारे। ये तो इसने तो टच भी नहीं किया, इससे कुछ फ़ायदा नहीं। अपने को इधर की साइड में एक ऐसा शेप बनाएं ताकि ये धक्का मारे, ताकि यार ये गाइस ये हार्ड लेवल लग रहा है मेरे को। इधर थोड़ा भारी बनाएंगे अपन, ठीक है, ताकि ये धक्का मारे और सीधा। अरे यार लास्ट के उसमें टिक गया है ना, चली गई थी बॉल। इस टाइप से थोड़ा भारी बना दें, ठीक है। ये भी नहीं पहुँचेगा, बॉल नीचे जाए उससे पहले तो ये पूरा पिरामिड नीचे गिर जाता है। तो अपन एक ऐसी शेप बनाएं ताकि ये, हाँ चला गया चला गया। अरे यार बस थोड़ा सा रह गया, अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगा दें। इसमें अपन ऐसा रैंप बनाएं, ठीक है, इन सारों के ऊपर एक ऐसा रैंप बनाएं ताकि ये सबको गिरा के बॉल को इधर ले आए, ठीक है। लेकिन गाइस इसने ये भी अपने को पॉसिबल नहीं दिख रहा, लेकिन बनाना रैंप ही है, ठीक है। एक रैंप बनाएंगे, अच्छा सा रैंप, ताकि बॉल सीधा अंदर चले जाए, ठीक है। तो ऐसा रैंप बनाया और ये लो गाइस लेवल पूरा हो गया। और ये एड मेरे को नहीं देखना भाई, एड। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेवल है, अपने को नेक्स्ट लेवल में क्या करना है, मेक द बॉल टच द राइट बॉल। अच्छा, तो इस ब्लैक पे अपने को टच नहीं कराना है, और ये बॉल अपन कुछ भी टच करेंगे तो नीचे आएगी, ठीक है। तो अपने को एक ऐसा रैम बनाएंगे ताकि ये इधर आएगी, और फिर इधर रैम बनाएंगे एक और, तो इधर आएगी, और लास्ट में एक और रैम बनाएंगे ताकि ये इधर टच कर जाए, ठीक है। इजी है गाइस, इजी। ये लेवल मैंने पहले देखा हुआ है किसी का, यूट्यूबर का, तो मैंने इसको इजी पार कर दिया, वरना मेरे को हार्ड लग रहा था। अब आगे देखते हैं आगे के लेवल कैसे होते हैं। बैलेंस द प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म को अपनों को बैलेंस करना है, ठीक है। एक तरफ तो ये इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अपन इधर थोड़ा सा और गिरा दें। लेकिन ये मेरे को क्यों लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन गाइस अपन करेंगे इसको। तो इसमें अपने को एक बढ़िया सा ऑब्जेक्ट इस टाइप से रखना है ताकि ये वजन दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है। तो अपन एक बॉल, हाँ हो गया हो गया, बस हो गया हो गया यार, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो अपन इसमें थोड़ा और वजन डाले, ये कैसे नहीं हो रहा यार, अपन दो तीन बॉल गिरा दें ताकि ये हो जाए। तो इन बॉलों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा इसमें, एक बॉल और गिराते हैं, देखिए इससे कुछ फर्क पड़ जाए, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसको रिप्लेस करते हैं।
एक ऐसा बना दें ताकि ये थोड़ा सा और येलो, थोड़ा सा और गया, शायद अब हो जाएगा अपना लेवल पूरा येलो गाइस, हो गया। लेकिन एक स्टार ही मिला अपने को। आगे की लेवल देखते हैं क्या होता है। तो आगे की लेवल में अपने को है सेपरेट द मैग्नेट। अपने ने पहले भी सेपरेट किया था 1 को, लेकिन इसमें 2 है। तो अपने को ऐसी शेप बनानी, 2 लॉलीपॉप बनानी, ठीक है, 2 लॉलीपॉप बनानी और उसके ऊपर बहुत सारा वजन डालना है ताकि ये नीचे गिरे तो दोनों को सेपरेट कर दे। ये लो, हो गया गाइस, इजी, ठीक है। अब 2 स्टार मिला है इसमें, फिर भी अपने को जाने बतानी है। अपने को 2 स्टार ही मिला है। मेक द मैग्नेट टच, अच्छा इनको टच कराना है। तो अपन ये क्या कर रहा हूँ मैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये टच नहीं होगी। तो अपने को एक ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि ये मतलब दोनों नीचे गिर जाए और फिर टच हो जाए। तो अपन ऐसा शेप बनाएंगे ट्रायंगल जैसा और नीचे एक रेम बना दें ताकि ये नीचे गिरे तो ये टच हो जाए। ये लो गाइस, हो गया लेवल पूरा। अपने को 2 स्टार मिला है। बढ़ते हैं आगे की लेवल, ये 20 लेवल है। गेट द बॉल आउट द जार, इस जार से अपने को बॉल निकालनी है। अपन एक भारी बॉल के ऊपर बॉल गिरा दें तो ये गाइस मेरे को लग रहा है कि हार्ड है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपन एक थोड़ा हेवी बॉल गिराते हैं, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गाइस आज इस लेवल को पूरा करेंगे अपन कुछ भी करके। तो अपन एक रेम बना दें इधर, इस रेम के ऊपर एक भारी बॉल गिराएं ताकि ये मतलब इस भारी बॉल द्वारा इसको मतलब लुढ़का जाए तो ये बॉल बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा और। अपन अच्छे से बनाते हैं एक बार और ट्राई करते हैं। एक रेम बनाते हैं, उसके ऊपर एक बॉल गिराते हैं भारी ताकि ये इसको मतलब आगे की तरफ धकेल दे, जिससे कि ये बॉल बाहर आ जाए। बस यार थोड़ा सा और गया, बस ये लेवल कैसे पार होगा यार। हार्ड तो है गाइस, इसमें लेवल हार्ड तो आ रहे हैं आगे आगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा अपने को। ये तो अंदर ही घुस गया। अपन इसमें थोड़ा सा इधर ये करके और थोड़ा इधर वजन दे दें तो क्या बाहर निकलेगी बॉल। इसने तो वो बॉल को ही अंदर कर दिया वापस। इसको थोड़ा और, थोड़ा बस थोड़ा सा रह गया यार गाइस, थोड़ी सी और रही वरना बाहर निकल जाती बॉल। इसको कैसे पूरा किया जाए, इधर गिराएं तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा अपने को। तो अपन इसमें थोड़ी बड़ी भारी बॉल गिराएं तब ये तो, इसने तो बॉल वापस रोक लिए, इससे कुछ फायदा नहीं। थोड़ा अच्छे से बॉल बनाया जाए, ठीक है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा अच्छे से और इसने काम तो किया। अरे गाइस बस निकलने वाला, अरे यार अटक गया। अपन इस पर थोड़ा बॉल गिराएं, वजन डालें तो यार, अरे यार निकलने वाला था, काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी। अपने को बस इसी टाइप का रेम, इसी टाइप की बॉल बनानी है। ये काम करेगा, ये काम नहीं करा गाइस। अपन को एक अच्छी सी बॉल बनानी है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है, ये काम करेगी शायद। ये लो गाइस, होगी लेवल पूरी 3 स्टार के साथ, ठीक है, तुम्हारे भाई ने 3 स्टार के साथ पूरी की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।